बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने और बढ़ाई सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलात। शिवसेना पार्टी लेजिस्लेचर के लीडर के उदय का किया दावा। गुवाहाटी में बैठक के बाद 37 अराकीन असेंबली के हस्ताक्षर वाला खत असेंबली के डिप्टी स्पीकर को भेजा। एमएलए से बोले, एक अजीम ताकत हमारे साथ। शिवसेना ने 12 बागी अराकीन असेंबली को मुअत्तल करने की मांग डिप्टी स्पीकर के सामने रखी। लिखा खत, शिंदे बोले, आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? हम बाला साहब ठाकरे की असली शिवसेना और शिवसैनिक हैं। महाराष्ट्र के बुरान को सुलझाने वाले फॉर्मूले की तलाश में दिल्ली पहुंचे साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली में सीनियर लीडरान से मुलाकात, शिंदे गुट को दिए ऑफर पर भी हो सकती है बात। महाराष्ट्र के सियासी बुरान पर आज भी जारी रहेंगी सियासी जमातों की मीटिंग। मातोश्री पर लीडरान के साथ उद्धव ठाकरे करेंगे गौरवखोज। कांग्रेस लीडरान की भी हो सकती है मीटिंग। एनसीपी ने अपने लीडरान को उनके इंतखाबी हलकों में वापस भेजा। शिवसेना लीडर संजय राउत का बागी अराकीन असेंबली को पैगाम, अगर मुंबई आकर बात करें तो अघाड़ी सरकार से बाहर होने पर भी गौर कर सकते हैं। नायब वजीर आला अजीत पवार ने कहा, राउत के इस बयान पर उद्धव ठाकरे से बात करें। एनडीए की जानिब से सदर उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। पीएम मोदी और अमित शाह समेत सीनियर लीडरान मौजूद रह सकते हैं। इंतखाबी हिकमत अमली तय करने के लिए बीजेपी इख्तदार वाली रियासतों के वज़ीरे आला को दिल्ली बुलाए। यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयतुल माहिंद की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पिछली समाअत में कोर्ट ने यूपी सरकार से पिछले दिनों हुई कार्रवाई को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ा इंकशाफ किया। इस साल जनवरी से जारी थी मूसेवाला की रैकी, अब तक 13 लोग गिरफ्तार। लॉरेंस ने कबूली मास्टरमाइंड होने की बात। असम में सैलाब से जारी है तबाही। 32 अजला में 54 लाख लोगों पर असर, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई सरकार की तश्वीश। वजारत सेहत की जायज मीटिंग में वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने लिया अपडेट। मुल्क में कोरोना वायरस के मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने की हिदायत दी।